हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ किया और अभी मैं रेडी हूँ दूध लेने जाने के लिए। और मम्मी अभी खाना बना रही है इतना जल्दी। इतना जल्दी क्यों बना रही है? इसके पीछे रीजन है, तो क्या बना रही है चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये इधर अभी मेरा बज रहा है और अभी शाम के 5 बज गए हैं, 5:30 होने वाला है और इतना जल्दी खाना बन रहा है बहुत जल्दी। तो उसके पीछे का रीजन जो है वो है कि हमें सब्ज़ी लेने जाना है। आज मंगलवार का मार्केट है, तो सब्ज़ी लेके आने के बाद जो है हम पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो मम्मी बोली कि मैं सब्ज़ी बना के चलती हूँ ताकि आने के बाद हमें सिर्फ रोटियाँ बनानी पड़े और ज़्यादा कुछ ना करना पड़े इसकी वजह से। तो आज सुबह से वैसे भी मेरा तबीयत जो है वो तो सही नहीं था, अचानक से ख़राब हो गया था तबीयत। वो ये था कि अचानक से मुझे बेचैनी बेचैनी सा होने लगा था, पसीने बहुत आने लगे थे। मुझे लगा कि शायद बीपी मेरा हाई या फिर लो हो गया होगा इसकी वजह से। तो मैं काफ़ी देर तक लेटी हुई थी और लेटने के बाद बहुत चक्कर सा आ रहा था। मैं सोई सोई फिर भी नहीं आराम हुआ। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे दूध गर्म करके दे दीजिए, अगर बीपी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और सेम वही बात हुआ, जब मैंने पिया गर्म दूध एक गिलास और उसके बाद फिर आराम हुआ, फिर मैं सोई और उठी हूँ। तो अब तबीयत का कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। वैसे मेरे दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है आजकल, और मतलब थाई में, क्योंकि 7 मंथ अब मेरा कंप्लीट होने वाला, 8 मंथ लगने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं मम्मी क्या बना रही है। क्या बना रही है? तड़का बना रहा है। इतना जल्दी? हाँ, शाम में मार्केट जा रहा है, ये बना रहा है। आधे पर तो भूख है, बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए बना दे रहे हैं। तड़के के साथ रोटी? हाँ, रोटी इसके साथ बनाएगा या कचौड़ी छनाएगा? कचौड़ी तो कर ले छनाया, कुछ भी बन जाएगा। अभी तुम जाएगी दूध लाने, दूध लेके आएगी तब चाय बनाओगे। फिर चलेंगे बाजार। फिर चलेंगे मार्केट। झोला दिखाइए, हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। सास बहू, सास बहू जा रहे हैं मार्केटिंग करने। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मार्केट में और देखिए मार्केट में कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि इसके पहले वाला मार्केट में होली था तो बहुत कम लोगों ने सब्जी लिया था, होली के दिन ही मंगलवार था। बस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। झोला लेने ये आए थे सब्जी का, स्कूटी से ले गए झोला करके, और हमें पैदल जा रहे हैं क्योंकि सब्जी ज़्यादा हो जाने से। तो यहाँ देखिए मम्मी आके और काम करने लग गई, सारा सब्जी जो है वो रख रही है। ये मेरे से पैदल आ गई, ये जाके एक बार फिर से स्कूटी से लेके आ गए थे। और ये सारे सब्जी में बस एक ही चीज़ सस्ता मिला हम लोग को, वो टमाटर जो कि 10 रुपये किलो था, तो 2 किलो लिया। और बाकी सारी सब्जी तो बस वही नॉर्मल रेट ही है, 30-40 ऐसा ही है सब कुछ। तो ये है हम लोग का 1 वीक का सब्जी, जो कि इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और हमेशा इतना सब्जी नहीं खरीदते थे हम लोग, सारा सब्जी खत्म हो गया था हमारे घर का।
हे गाइस, तो अभी खाना पीना सारा कंप्लीट हुआ हम लोग का और मैं अभी बेड पे आ गई और मम्मी भी चली हैं बेड पे सोने के लिए। और आज जो है वो अलग बेड पे सो रही हैं हॉल में, तो बाकी दिन हम लोग के साथ सोती हैं। और पूरे तरीके से हम थक चुके हैं। हमें लगा था पूरा 2 घंटा मार्केट में, क्योंकि हम लोग 6:30 बजे गए हैं और हम और मम्मी। और मेरा स्पीड भी आजकल बहुत तेज़ी हो गया है, जो कि बहुत स्लो मैं चल रही हूँ, चला नहीं जा रहा मेरे से। और मम्मी भी धीरे धीरे चलती है, इसकी वजह से हम लोग 6:30 बजे निकले। और ये इनको ऑफिस का काम था, इसकी वजह से ये 7:30 बजे पहुँचे थे। तो अभी हम लोग पहुँच गए, एक दो छोटा मोटा जैसे हरा मिर्चा वगैरह ले ही रहे थे तब तक ये पहुँच गए। और उसके बाद इनके साथ मिल गए, हम लोगों ने शॉपिंग किया, मतलब जो भी सब्जी मार्केट था, क्योंकि झोला बहुत भारी होता जा रहा था, ना मुझसे उठता ना मम्मी से उठता, किसी से उठने में बस खत्म था नहीं, क्योंकि फ्रूट और सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लेना था। पिछले वीक तो हम लोगों ने लिया नहीं और पूरा 1 वीक का लेना था, तो टोटल घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्योंकि प्याज भी ख़त्म था, आलू भी नहीं था, और लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल। ये 1 वीक जो है, हम लोग बुधवार को आए गांव से और उसके बाद पूरा 1 वीक सब्जी खरीदने के लिए, हर रोज़ ये नहीं है तो वो नहीं है। और मार्केट जाके लेने पे ये होता है कि मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो सारी चीज़ें हमें लगता है कि जैसे कोई चीज़ हम भूल भी गए घर पे कि याद नहीं आया, और वो चीज़ देख के हमें याद आ जाता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया था। और डेली हरा सब्जी लेके आते थे ये, और बाकी शॉप पे जो है बहुत ही महंगा सब्जी मिलता है, मार्केट में थोड़ा ठीक मिलता है। तो ये था हम लोग का 1 वीक का सब्जी का शॉपिंग जो सास बहू ने मिल के किया, और ये झोला लेके आए। फिर उधर से आने के बाद मम्मी को मिर्ची पकौड़ा बहुत पसंद आने लगा है यहाँ का, तो बोली थी लेने के लिए, फिर हम लोग लेके आए, खाए, चाय पिए। चाय मैंने नहीं पिया, इन लोगों ने पिया, क्योंकि चाय मैं सुबह भी पीती हूँ बस, और इसकी वजह से मम्मी गुस्सा भी करती हैं कि नहीं पीती है चाय, बट ये मम्मी को बोलते हैं कि इसका चाय पीना मना है। और अभी मुझे नाखून काटना है, देखिए कितने गंदे नाखून हो रहे हैं, और डॉक्टर ने भी बोला है कि इसके बाद आना है तो नाखून काट के आना है, तो मैं कल नाखून काटती हूँ अपने। और पैर के तो मैंने ऐसे तोड़ दिए, क्योंकि पैर में बड़े बड़े से हो गए थे तो टूट गए वो हाथ से पकड़ के, बट हाथ वाला नहीं टूट रहा है तो इसको काटेंगे। तो अभी मैंने दूध रखा है अपना, दूध पीऊँगी और फिर हम सोएंगे, क्योंकि आज दिन में मैं बहुत सोई हूँ। मैंने आप लोग को बताया कि सुबह में जैसे ही मैंने खाना खाया मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, एकदम से पूरा बेचैनी और बहुत सारे पसीने आने लग गए थे मुझे, तो मैंने किसी को बोला नहीं, मैं आके चुपचाप लेट गई। और लेटने के बाद ये आराम जो है बिल्कुल नहीं हो रहा था, लग रहा था कि पूरा शरीर में हवा ही नहीं लग रहा है मेरे। फिर मैंने फ़ैन भी फुल करके ऑन किया, लेटी रही, फिर नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद पानी पिया, दवाई खाया, और फिर भी आराम कुछ नहीं। तो ये बोले, मम्मी बोले कि डॉक्टर के पास चली जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि इतना मैं ज़्यादा सीरियस हूँ डॉक्टर के पास जाने लायक, अगर ये कम नहीं होता है तब हम जाएंगे। तो पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में आया कि शायद बीपी बढ़ा हुआ होगा, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि हल्का सा दूध गर्म करके बीपी में पीने से ना बीपी सही हो जाता है। मैंने मम्मी को बोला भी कि थोड़ा सा मुझे दूध गर्म करके दीजिए, तो मम्मी ने दिया। और सही बात है, पीने के बाद आधे घंटे के बाद मैं वो इतनी गहरी नींद में सोई थी, मैं 1.5 घंटे लगातार सोई रही, जिसकी वजह से कल मैंने ब्लॉग वीडियो भी नहीं डाला है आज। और फिर जाके थोड़ा सा फिर नॉर्मल हुई, तो अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि डॉक्टर भी बोल चुकी है
कि अब तुम अपने पूरे माइंड को जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ें झेलने के लिए मैं भी रेडी हूँ। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल का, और ब्लॉग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं दिखाऊंगी मम्मी का मॉर्निंग रूटीन बहुत ही जल्दी, क्योंकि मम्मी हम सब लोग से पहले उठ जाती हैं और क्या करती है, कितना सारा काम करती हैं अकेले, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, पास का बेल का आइकन भी जब दबाओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।